हाय गाइस वेलकम बैक आज है फाइटर का डे नंबर 24 जी हाँ सैटरडे स्टार्ट हो चुका है वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है लेकिन कल रात को हमने क्या एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखा है कल नंबर्स क्या कुछ आए हैं सब कुछ बताती है आपको इस वीडियो में वीडियो जरूर देखो चैनल को सब्सक्राइब देखो यार नंबर्स के खेल में ना अक्सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं शो काउंट्स ठीक है शो काउंट्स अगर नहीं होंगे ऑब्वियस सी बात है तो फिर कलेक्शन में हम उतना बड़ा जंप नहीं देख पाएंगे अभी फाइटर के केस में क्या हो रहा है कि ऑक्युपेंसी बहुत अच्छी जा रही है बहुत बढ़िया ऑक्युपेंसी ऑडियंस बहुत जम के सपोर्ट है इस फिल्म को लेकिन अभी क्योंकि नई रिलीजेस भी आनी है मेरे ख्याल से कल भी कुछ एक रिलीजेज आई होंगी जिनके चलते शो काउंट्स थोड़े से और कम जो है थोड़े से और कम हुए हैं लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि नाइट ऑक्युपेंसीज में कल कमाल हो गया था जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था मैंने कहीं से भी आपको वो ऑक्युपेंसी बताई नहीं थी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी कि ऑक्यूपेंसी ऐसी आएगी नाइट में ठीक है तो क्या नंबर आए हैं पहले नंबर के बारे में बात करेंगे फिर आपको शो काउंट्स बताऊंगी फाइटर डे नंबर ट्वेंटी थ्री मॉर्निंग शो सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑक्युपेंसी आफ्टरनून नाइन पॉइंट फोर टू परसेंट की ऑकुपेंसी थी भाई इवनिंग में एक बड़ा जंप ले लिया चौदह परसेंट की ऑक्युपेंसी यहां पर कुछ लोग बोल सकते हैं आप चौदह परसेंट को इतना बड़ा जंप क्यों बोल रहे हो यार देखो दिन पर फिल्म चल रही है काफी सारी नेगेटिविटी बहुत सारा क्रिटिसिज्म बहुत कुछ इसके एडवर्स था लेकिन फिर भी अगर दिन पर इवनिंग शोज में फोर्टीन परसेंट ऑक्यूपेंसी चली जाती है तो ये बहुत अच्छा साइन है ठीक है इसी के साथ नाइट शो जो मैं आपसे कह रही हूँ अगर फोर्टीन गया है नाइट शोज में हम ज्यादा से ज्यादा फ्राइडे को बोलते हैं यार ठीक है हो गया होगा सोलह हो गया होगा कितना सो, सोलह साढ़े सोलह लेकिन यहाँ पर करीब करीब 20 परसेंट की ऑक्युपेंसी नाइट में आई है 19.38 परसेंट की ऑक्युपेंसी आई है फाइनल और इसी के साथ अगर हम बात करें शो काउंट्स की तो भाई मुंबई में जहां 202 या फिर 215 या 230 के आसपास के शोज थे अब मुंबई में आज 189 एट्टी शोज हैं सॉरी uh, आज नहीं ये कल का है तो वन एट्टी नाइन थाउजेंड तो आज भी इतना ही नंबर होगा इसी के आसपास का नंबर होगा आज भी वन एटी नाइन थाउजेंड मुंबई डेलियंसर टू सेवेंटी टू शो पुणे सिक्सटी थ्री शोज बैगलोर फोर्टी शोज हैदराबाद ट्वेंटी नाइन शोज इस तरीके के शो काउंस जो है थोड़ी बहुत इनमें रिडक्शन अभी और आई है इस, जिसकी वजह से जो एक करोड़ हम लोग लग रहा था कि शायद एक करोड़ कर लेगी लेकिन एक करोड़ तो नहीं है भाई पिचासी लाख एट्टी फाइव लैक्स की डे नंबर ट्वेंटी थ्री की जो फाइनल कलेक्शन है ये आई है और इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन पहुंच गई है टू हंड्रेड एंड टू पॉइंट फाइव करोड़ जी हाँ दो सौ दो पॉइंट पांच करोड़ की कलेक्शन अभी तक आ चुकी है आज हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार अगर आज मैं बुक मैशो ओपन करके देखती हूँ तो क्या मेरे को नजर आएगा वो आ, नंबर जिसका जिसको देखकर मैं कहूंगी कि यार आज थोड़ी बहुत राहत है तो भाई ट्रेंडिंग पे तो चल रही है ये लेकिन टिकट्स बुक जो हुई है ये केवल तेईस हजार टिकट्स बुक हुई है चौबीस घंटे में लेकिन क्या हम ये ट्रेंड बदलता हुआ देखेंगे इसकी मुझे इसका मुझे लग रहा है आज अंदेशा कि ट्रेंड बदलता हुआ हम आज देखेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है फिल्मों की एडवांस बुकिंग वो नहीं आती है वो नंबर नहीं आता एडवांस बुकिंग में जो एक्सपेक्टेड है लेकिन उसके बाद दिन में आफ्टरनून इवनिंग में एकदम से टाइट चेंज होती है और लोग जो है फिल्मों को सपोर्ट करते हैं जाके फिल्म देखते हैं और फिर कलेक्शन अच्छा आता है तो मैं आज का कहीं ना कहीं आपसे जो एक्सपेक्टेड नंबर बोलूंगी वो कहीं ना कहीं टू करोड़ के आसपास बोलूंगी और ये नंबर भी अभी के समय में चौबीसवें दिन पर अच्छा खासा बड़ा नंबर है डिस्पाइट द फैक्ट शो दोकाउंट बहुत कम हो गए अब काफी कम हो गए तो भाई अब देखते हैं सैटरडे संडे में जम्प क्या लेती है मुझे एक्सपेक्टेड है आज दोपहर में हम लोग एक अच्छा पॉजिटिव जब देखेंगे एक अपवर्ड ट्रेंड देखना शुरू हो चुका है अभी से और अभी नंबर जो है जब वर्ल्ड वाइड का भी आएगा और उसके बाद जब दिन में हम लोग देखेंगे ऑक्यूपेंसीज तो मैं आपसे जरूर शेयर करने वाली बट अभी तक आपका क्या कहना है इस पे लेट द कॉमेंट सेक्शन बाकी वीडियो के